भाजपा में बदली दिख रही पर्दे के पीछे की तस्वीर। यूपी के इस हॉट सीट पर प्रत्याशी को लेकर छिड़ा घमासान। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और भाजपा के सुरमा मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच कानपुर लोकसभा सीट पर पर्दे के आगे और पीछे दो अलग अलग तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पर्दे के सामने जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं पर्दे के पीछे जाकर अकेले बात करने पर ये उत्साह छूमंतर हो जाता है और सामने आते ही टिकट वितरण को लेकर उनकी निराशा। भाजपा ने रमेश अवस्थी को दिया टिकट और सामने आते ही टिकट वितरण को लेकर उनकी निराशा। भाजपा ने रमेश अवस्थी को दिया टिकट। भाजपा में टिकट की दावेदारी में बहुत से छोटे बड़े स्थानीय नेता लगे हुए थे। इनके बीच रमेश अवस्थी भी अपनी दावेदारी कर रहे थे। टेम्पो पर उनके पोस्टर काफी दिनों से दिखने लगे थे, लेकिन उनके टिकट की घोषणा के बाद पहले दिन तो ये स्थिति हुई कि पार्टी नेता बधाई संदेशों तक से कतराते नजर आए। व्हाट्सएप तक पर बधाई संदेश नहीं पोस्ट करना चाहते थे। आखिरकार उनके स्वागत को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कमान संभाली और बैठक बुलाई, जिसमें सभी को भीड़ लाने के लिए लक्ष्य दिया गया। इसके बावजूद सेंट्रल स्टेशन पर रमेश अवस्थी के स्वागत में तो कई बड़े नेता पहुंचे ही नहीं। इसके बाद उत्तर जिला कार्यालय में जब स्वागत हो चुका था, एक पूर्व जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों के बीच ही बुरी तरह टिकट को लेकर नाराज नजर आए। पदाधिकारी हुए नाराज। निचले स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बात तो बहुत दूर की है, जिले के कई पदाधिकारी तक इस पर नाराजगी जता रहे हैं। इस संबंध में जब भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना है। ये चुनाव कार्यालय वही होगा जहां महापौर के चुनाव में प्रमिला पांडे का चुनाव कार्यालय था। इसके बाद सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से एकजुट होकर सामने दिखेंगे।